दोस्तों, आज हम एंड्रॉइड दर्पण डिवाइस में लॉगिन करना सीखेंगे, किस तरह से हम इसमें लॉगिन कर सकते हैं। सबसे पहले हमें दर्पण ऐप पर जाना है, इस पर ओके करेंगे तो हमें यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी या यूज़र आईडी और पासवर्ड लिखना है। उसके बाद ओटीपी पे क्लिक करना है। ओटीपी हमारे आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर आएगी, जो बीपीएम का आधार से लिंक मोबाइल नंबर होगा उस पर ओटीपी आएगी। उस ओटीपी को हमें यहाँ पे फिल करना है, उसके बाद हमें लॉगिन करना है। जो ओटीपी हमें मिला है उसको हम फिल करेंगे। ओटीपी के लगाने के पश्चात हम लॉगिन पर क्लिक करेंगे। इस तरह से आपका ये दर्पण ऐप लॉगिन। दोस्तों, हम एंड्रॉइड दर्पण डिवाइस में जब हम लॉगिन करेंगे उसके पश्चात हमें कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा, जिसमें हमें कई सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। डे बिगेन, स्पेशल रेमिटेंस, जनरेट बोडा, बोडा रिपोर्ट, डाटा एंट्री, IPPV, डे एंड, और उसके नीचे जो हमें ये रेड कलर की पट्टी दिखाई दे रही है, इस पर हमें टोटल 4 टैब दिखाई दे रहे हैं। फर्स्ट जो टैब है आपका यूटिलिटी का है, सेकंड वाला टैब है जो है आपका मेल ऑपरेशंस का है। इसमें हम बुकिंग, डिलीवरी, बैगिंग और पेरोल वाले आइकन देख सकते हैं। उसके बाद में जो तीसरा ऑप्शन है ये दर्पण CBS का है, इसमें हमें न्यू अकाउंट ओपनिंग का ऑप्शन, कैश डिपॉजिट का ऑप्शन, सुकन्या, SB, RD, जो भी कैश हम डिपॉजिट करते हैं वो यहाँ पे कैश डिपॉजिट कर सकते हैं। SB का विड्रॉल कैश विड्रॉल में जाके कर सकते हैं। मिनी स्टेटमेंट देख सकते हैं सुकन्या, और SB का हाई वैल्यू विड्रॉल रिक्वेस्ट दे सकते हैं। डेली ट्रांजेक्शन रिपोर्ट देख सकते हैं, अकाउंट इंक्वायरी कर सकते हैं और ट्रांजेक्शन स्टेटस देख सकते हैं। और जो फोर्थ टैब है वो है दर्पण इंश्योरेंस का। यहाँ पे हम RPLI PLI की प्रीमियम जमा कर सकते हैं, न्यू बिजनेस कोड जनरेट कर सकते हैं, पॉलिसी को सर्च कर सकते हैं। इस तरह के कई सारे हमें ऑप्शन यहाँ दिए गए हैं। जैसे ऑप्शन हमें RICT में दिखाई देते थे, ठीक वैसे ही कुछ ऑप्शन यहाँ भी आपको दिखाई देंगे। तो सबसे पहले हमें स्टार्ट करने के लिए फर्स्ट टैब पर जाना है। उसके बाद में हमें डे बिगेन करना पड़ेगा। कोई भी काम शुरू करने से पहले हमें डे बिगेन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यदि डे बिगेन नहीं करेंगे तो इस तरह से हमें कुछ एरर दिखाई देगी। जैसे हम इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो बोलेगा डे बिगेन टू कंटिन्यू, यानी हमें सबसे पहले डे बिगेन करना है। तो आज का डे बिगेन करते हैं, हम यस पे क्लिक करते हैं तो ये सक्सेसफुली डे बिगेन हमारा आज का हो गया है। ओके पे क्लिक करेंगे। उसके पश्चात आप कोई भी ऑप्शन जिसको भी हमें यूज़ करना है वो कर सकते हैं। सारा काम होने के पश्चात हमें जो एंट्रीज़ हैं वो करनी पड़ेंगी। जैसे हमने यदि कैश विड्रॉल किया IPPV से या डिपॉजिट किया है तो उसकी एंट्री हमें यहाँ करनी पड़ेगी IPPV वाले ऑप्शन में। आज की डेट डाल के इसमें डेट पर सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद में जो भी एंट्री होगी उसको हम एंट्री करेंगे। सारा काम लेन देन होने के बाद हम डेट सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद में ओके पे क्लिक करेंगे। उसके पश्चात सर्च पर क्लिक करेंगे। सर्च पर क्लिक करने के पश्चात इंटर डिपॉजिट अमाउंट, यानी जो भी आज अपने डिपॉजिट किए उसकी वैल्यू यहाँ लिखेंगे, जो विड्रॉल की IPPV में उसकी वैल्यू यहाँ लिखेंगे, यदि कुछ भी नहीं किया है तो दोनों में हम 00 लिखेंगे। उसके बाद में सबमिट पर क्लिक करेंगे। इस तरह से आपका जो वॉलेट का बैलेंस है वो अपडेट हो जाएगा। आपका वॉलेट का बैलेंस यहाँ दिखाई देगा, जो भी आपका VO का बैलेंस चल रहा है वो यहाँ पे दिखाई देगा वॉलेट के आइकन पर क्लिक करने के पश्चात। तो काम शुरू करने से पहले हमें सबसे पहले डे बिगेन ही करना है, उसके पश्चात ही हमें सारे ऑप्शन पर काम कर सकते हैं। जैसे हम बैगिंग पर जाएंगे डे बिगेन करने के पश्चात तो बैगिंग वाले ऑप्शन भी काम करेगा। इस पर अपन बैग ओपन करेंगे, जो हमें SO से बैग मिलेगा BO के लिए उसको यहाँ पे बैग ओपन पे जाके बैग ओपन करेंगे। उसका जो बैग नंबर होगा वो यहाँ पे टाइप करेंगे या फिर स्कैन भी कर सकते हैं इससे। और हमें सारा काम करने के पश्चात
जब बैग क्लोज करना होगा तो यहाँ पे बैग क्लोज करेंगे। पिछले बैग की रिपोर्ट देखनी है तो वो यहाँ बैग की रिपोर्ट भी देख सकते हैं। बैग क्लोज किया उसकी रिपोर्ट देखनी है तो यहाँ पे बैग क्लोज की रिपोर्ट देख सकते हैं। बैग ओपन किया उसकी रिपोर्ट भी देख सकते हैं। पिछली जो रिपोर्ट है वो यहाँ पे दिखाई दे सकती है। बैग क्लोज पर क्लिक करेंगे, कल की डेट सेलेक्ट करेंगे। यदि कल के बैग क्लोज के बारे में देखना है तो हम इस तरह से बैग क्लोज दिखाई देगा। दर्पण डिवाइस में जो लेन देन हम करेंगे उसके वीडियो हम आने वाले समय में देखेंगे, किस तरह से SBI RD TD नया अकाउंट खोल सकते हैं, किस तरह से उसमें जमा कर सकते हैं। यदि हमें नया अकाउंट ओपन करना है तो ओपन न्यू अकाउंट वाले टैब पर जाएंगे, इस तरह से SBI RD TD सुकन्या जो भी अकाउंट हमें ओपन करना है उस पर क्लिक करके प्रोसेस पर क्लिक करेंगे। तो यदि हमारा पहले से कस्टमर है तो उसका KIF ID यहाँ पर हम लिखेंगे, उसका नाम लिखेंगे और इस तरह से डिटेल भर के उसको नेक्स्ट करेंगे। तो आगे सारे वीडियो आप देखोगे तो समझ में आएगा किस तरह से इस नए दर्पण डिवाइस में काम हो सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। दोस्तों, एंड्रॉयड दर्पण डिवाइस में डे बिगेन करने के पश्चात जो भी लेन देन करेंगे उसको हम IPV का लेन देन किया है तो IPV की दिनांक सेलेक्ट करके उसमें जो भी लेन देन किया है उसकी एंट्री करेंगे। यदि डिपॉजिट किया है तो यहाँ पर डिपॉजिट की एंट्री लिखेंगे और विड्रॉल किया है तो यहाँ विड्रॉल की एंट्री लिखेंगे। कोई भी विड्रॉल नहीं है, डिपॉजिट नहीं है तो यहाँ भी ज़ीरो लिखेंगे, यहाँ भी ज़ीरो लिखेंगे, इस तरह से ज़ीरो और यहाँ भी ज़ीरो लिखेंगे। उसके बाद में सबमिट पर क्लिक करेंगे, बैक जाएंगे। आपका वैलिड बैलेंस सही है कि नहीं वो चेक करने के लिए वैलिड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यदि आपका वैलिड बैलेंस सही है तो आप बैक करके और डे एंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इस तरह से यदि एरर आ रहा है तो इसका मतलब हमें कुछ रिटर्न लेना बाकी है, तो उसके लिए आप डिलीवरी ऐप में जाएंगे, दूसरा जो टैब है उसमें जाएंगे, उसके लिए आप डिलीवरी वाले ऐप में जाएंगे और जो भी रिटर्न लेना बाकी है उसको अपन रिटर्न लेंगे। डिपॉजिट या डिलीवरी जो भी अपने को करनी है वो करेंगे। यदि हमें डिलीवरी करनी है इसकी तो हमें डिलीवरी करेंगे, सबमिट पर क्लिक करेंगे, यस पर क्लिक करेंगे, इस तरह से डिलीवर हो गया। अभी हम फिर से फर्स्ट वाले टैब में जाएंगे, फर्स्ट टैब में जाएंगे और डे एंड करेंगे। डू यू वांट टू डे एंड, तो यस पे क्लिक करेंगे, डे एंड सक्सेसफुली ओके। इसके बाद में डे एंड होने के बाद हम सेकंड टैब में जाएंगे और बैग क्लोज करेंगे, बैगिंग वाले ऑप्शन पे जाएंगे। उसके बाद में बैग क्लोज पे जाने के बाद बैग नंबर हम इसमें मैनुअली भी टाइप कर सकते हैं और स्कैन भी कर सकते हैं। यदि हमारे पास बैग नंबर नहीं है, इस तरह का बैग नंबर नहीं है, तो हम इसमें मैनुअली भी टाइप कर सकते हैं LBR आज की दिनांक जो भी है, LBR 27/09/2023 और अपने BO का कोड यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। इस तरह से बैग नंबर हम बना सकते हैं, पर हमारे पास बार कोड है तो हम इसको स्कैन कर लेंगे, बैग नंबर है तो इसको स्कैन कर लेंगे। इस तरह स्कैन किया, कंफर्म पर क्लिक करेंगे, बैग क्लोज पर क्लिक करेंगे। यदि कोई आर्टिकल हमें भेजना है तो उसको यहाँ स्कैन करके ऐड आर्टिकल पर जाके जितने भी आर्टिकल हमें भेजने हैं वो इसमें आ जाएंगे। उसके बाद में हमें यहाँ बैग क्लोज़ करना है, बैग क्लोज सक्सेसफुली लिखा आ गया है। उसके बाद में हमें बैग को डिस्पैच करना है, बैग डिस्पैच पर जाएंगे, शेड्यूल टाइम पर जाएंगे, ये हमें बैग दिखाई दे रहा है, बैग नंबर मैच करेंगे, ये हमें बैग दिखाई दे रहा है, इसको हम डिस्पैच करेंगे।
बैक डिस्पैच पर क्लिक करेंगे, बैक डिस्पैच सक्सेसफुली, वन हैज़ डिस्पैच सक्सेसफुली, इस तरह से लिखा आ जाएगा। वापस जाएंगे तो इस तरह से आपका डे बिगिन से लेकर डे एंड तक का काम ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।